हे hey, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक्नो अजय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आप सबके जो है बहुत सारा मुझे भर भर के कमेंट आ रही थी कि रियल क्रिकेट 18 के बॉलिंग ट्रिक्स बनाओ। तो गाइज, आप सबके लिए दोस्तों, मैं आपको सबके लिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ रियल क्रिकेट 18 के बहुत ही कमाल का बॉलिंग ट्रिक्स लेके आया हूँ टेस्ट क्रिकेट में। तो टेस्ट मैच में दोस्तों किस तरह से विकेट लेते हैं, किस तरह से आप जो है 0 रन में पूरी टीम को ऑल आउट कर सकते हैं और हैट्रिक भी किस तरह से ले सकते हैं, सभी जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, आप जो है वीडियो को देखते रहिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में दोस्तों 500 प्लस मुझे लाइक चाहिए। जब भी मैं आपको बोलता हूं तो भी आप जो है लाइक करते हैं, नहीं तो नहीं करते लाइक। तो मैं फिर से दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगी रेड कलर की सब्सक्राइब बटन, वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइज, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइज, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ रियल क्रिकेट 18 में स्पिन बॉल से किस तरह से विकेट ले सकते हैं। तो गाइज, विकेट लेने के लिए सबसे पहले जो है ज़रूरी बात यह है कि अगर राइट हैंड बैट्समैन रहेगा तो आपको जो है ओवर द विकेट से बॉलिंग करनी है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, और अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहेगा तो आपको जो है अराउंड द विकेट से बॉलिंग करनी है। तो गाइज, अभी राइट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो मैं अभी जो है ओवर द विकेट से बॉलिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बॉल का लेंथ कहाँ पर रखनी है, बॉल कहाँ पर पिच करनी है। तो जैसे कि दोस्तों अभी देख सकते हैं, मैं जो है जो कर्सर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उसको जो है पीछे की तरफ खींच लीजिए और आपको जो है शॉर्ट बॉल आपको करनी है स्पिन बॉल से। और बॉल का टप्पा रखनी है दोस्तों, जो ऑफ स्टंप दिख रहा है, ऑफ स्टंप उसके जो है थोड़ा सा बाहर आपको जो है बॉल का टप्पा रखनी है। तो गाइज, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर बॉल को जो है पिच करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पर टॉप स्पिन को क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करिए और उसके बाद दोस्तों जो स्पीड है आप देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का लाइन है उसके आसपास रखिए और बीच में भी रखेंगे तो भी चलता है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी मैं इस तरह से बॉलिंग किया और यहाँ पर जो है जो बैट्समैन है उसने जो है बॉल को छोड़ दिया है और यहाँ पर आउट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली बॉल में यहाँ पर मैंने विकेट ले लिया। ये जो है बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है दोस्तों। अब जो है इस तरह से अगर आप बॉलिंग करेंगे तो हर एक गेम में जो है आप विकेट ले सकते हैं। तो अभी मैं दोस्तों हैट्रिक भी लेके आपको जो है दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, अभी दोस्तों और एक बात, अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहेगा तो आपको अराउंड द विकेट से बॉलिंग करनी है। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन यहाँ पर आ चुका है, तो इसको दोस्तों यहाँ पर जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करके अराउंड द विकेट पे आ जाइए। उसके बाद दोस्तों आपको सेम वही जो ट्रिक्स में आपको बताया उस तरह से आपको बॉलिंग करनी है। बॉल का टप्पा कहाँ पर रखनी है, थोड़ा सा जो लेंथ को पीछे की तरफ खींच लीजिए और टॉप स्पिन को सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर देख सकते फिर से यहाँ पर मैं विकेट ले लिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप बॉलिंग करिए। फिर से मैं आपको जो है और एक विकेट भी लेके दिखाने वाला हूँ। तो हैट्रिक में विकेट लगातार 3 विकेट आपको जो है लेके भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी दूसरा विकेट यहाँ पर जा चुका है, 2 ओवर में 2 विकेट मैंने ले लिया है। और अभी देख सकते हैं फिर से अभी जो है राइट हैंड बैट्समैन यहाँ पर आ चुका है। तो अभी जो है दोस्तों मैं जो है ओवर द विकेट फिर से जाता हूँ और यहाँ पर बॉल का टप्पा कहाँ पर रख रहा हूँ। तो गाइज, मैं बॉल को कहाँ पर पिच कर रहा हूँ देख सकते हैं, और ये जो कर्सर दिख रहा है उसको पीछे की तरफ खींच के दोस्तों मैं जो है टॉप स्पिन को जो है सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं फिर से यहाँ पर बैट्समैन यहाँ पर शॉट खेला ही नहीं, छोड़ दिया बॉल को और यहाँ पर जो है आउट हो गया है। तो गाइज, जो है मैं यहाँ पर जो है 3 विकेट भी ले लिया है दोस्तों, 3 बॉल में 3 विकेट ले लिया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप विकेट ले सकते हैं। और एक बात दोस्तों मैं बता देता हूँ, तो अभी दोस्तों मैं और एक विकेट अभी आपको जो है लेके नहीं दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं अभी मैं आपको एक और एक बात बताने वाला हूँ। अभी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो अराउंड द विकेट में फिर से यहाँ पर आ गया है, तो अराउंड द विकेट से अभी जो है वापस मैं बॉलिंग करने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपका जो जो लेंथ है देख सकते हैं, थोड़ा सा भी जो है जो ऑफ स्टंप के थोड़ा इधर उधर हुआ तो विकेट दोस्तों नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको जो है फिर से बता रहा हूँ, जैसे कि अभी देख सकते हैं थोड़ा सा जो है ऑफ स्टंप जो दिख रहा है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मैं बॉल को रखा था, इसलिए दोस्तों बैट्समैन शॉर्ट खेल दिया। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताया था वैसे ही आप बॉलिंग करिए, जो ऑफ स्टंप दिख रहे उसके थोड़ा सा ही बाहर आपको रखनी है बॉल का टप्पा और लेंथ को पीछे की तरफ पूरा खींच लीजिए, तभी आपको विकेट मिलेगा। देख सकते हैं अभी जो है बैट्समैन छोड़ दिया लेकिन स्टंप पे ये बॉल नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा जो ज़्यादा ही मैं बाहर रख दिया था बॉल का टप्पा, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर रख दिया था, इसके लिए विकेट नहीं मिला मुझे। तो फिर से देख सकते हैं अभी फिर से ऐसे ही मैं बॉलिंग किया था, विकेट नहीं मिला। तो थोड़ा सा आपको जो है अंदर की तरफ भी बॉल को रखनी है। तो अगर आपको जो है थोड़ा सा स्टंप मिस कर रहा है अगर बॉल, तो थोड़ा सा आप अंदर की तरफ करिए
तो देख सकते हैं अभी दोस्तों फिर से ये तो ज़्यादा ही बाहर रख दिया था मैंने, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ रखिए। इस तरह से दोस्तों आप जो है विकेट ले सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी जो है मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभी जो है अंदर की तरफ बॉल को रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है बॉल का टप्पा रखनी है और बॉल को यहाँ पर पिच करनी है, अभी देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों और एक विकेट मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो गाइस इसी तरह से दोस्तों आप जो है रियल क्रिकेट 18 में दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट मैच में दोस्तों इस तरह से विकेट ले सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक लाइक बनता है दोस्तों, एक लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिए और शेयर भी करिए सभी को दोस्तों। जितना आपका जो है रियल क्रिकेट 18 के दोस्त है उनको भी शेयर करिए, जो नहीं खेलते उनको भी शेयर करिए। और गाइज नीचे की तरफ आपको मिल जाएगी रेड कलर की सब्सक्राइब बटन, वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और कुछ सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, आपको जो है वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। तो गाइज आज की वीडियो से इतना ही, मेरा नाम है अजय, मैं मिलता हूँ कुछ नया वीडियो के साथ।